हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला जॉन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉइस कंपनी का जो स्मार्ट वॉच आता है, उस स्मार्ट वॉच में हम लोग किस तरीके से कॉल सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने स्मार्ट वॉच की मदद से हम लोग जो पूरा का पूरा कॉल कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे किसी को कॉल लगा सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों के पास भी नॉइस कंपनी का कोई सा भी स्मार्ट वॉच है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को फुल प्रोसेस के साथ आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग जो अपने स्मार्ट वॉच से किसी को कॉल करना चाहते हैं और उसका फुल सेटअप करना चाहते हो तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं नो टाइम वेस्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने फोन का जो प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, सिंपल से ये जो नॉइस फिट का जो एप्लीकेशन है, मैं आप लोगों को यहां पे दिखाना चाहूंगा, जो नॉइस फिट का एप्लीकेशन है सिंपल से आप लोग जो उसको ओपन कर लीजिए, मतलब इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहां पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन आपके फोन में रहना चाहिए, इसी से आपका जो है वॉच जो है कनेक्ट होता है। तो चलो फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप लोगों को आपका वॉच जो है कनेक्ट करना सीखना है तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने आपके पास ये एप्लीकेशन है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अपना जो है ये वॉच जो है सबसे पहले आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट होना चाहिए। अगर कनेक्ट नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो ये जो यहां पे देख सकते हो फ्रेंड्स, काम ही नहीं करेगा, आपका कॉलिंग का फीचर्स काम ही नहीं करेगा। स्मार्ट वॉच में फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहां से जो है बैक आ जाते हैं। मैं आप लोगों को यहां पे दिखाना चाहूंगा एक चीज, यहां पे देख सकते हो, यहां पे बैक आ जाते हैं और यहां पे डायरेक्ट जो है नॉइस फिट नॉइस वॉच जो इस पे खोलते हैं और यहां पे क्लिक करते हैं तो इसका काम ही नहीं करता है। काम आपका इसलिए नहीं करता क्योंकि आपका जो फोन है वो आपके वॉइस से कनेक्ट नहीं है, तो ये काम कहां से करेगा, ठीक है। इसमें सिम थोड़ी लगा हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों का फोन जो है यहां पे कनेक्ट होना चाहिए। तो यहां पे फ्रेंड्स, अभी यहां पे आप लोग देख सकते हो हमारा ये जो फोन है वो हमारे वॉच के साथ यहां पे कनेक्ट है। तो अभी फ्रेंड्स, यहां पे आप लोगों को दो तीन सेटिंग्स करना होता है। क्या सेटिंग करना होता है, चलो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहां पे होम पे क्लिक कीजिए। होम पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले चेक कीजिए, यहां पे आप लोग देख सकते हो कि आपका जो वॉच है वो सक्सेसफुली यहां पे कनेक्ट है। यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे 11% हमारा बैटरी चार्ज भी बता रहा है। अभी फ्रेंड्स, यहां पे आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल अलर्ट, तो सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पे आप लोग देख सकते हो जो कॉल अलर्ट का ऑप्शन है ये ऑफ है। तो सिंपल से सबसे पहले आप लोग इसको जो है इनेबल करना पड़ेगा। इसको जैसे आप इनेबल करोगे तो यहां पे बहुत सारा जो परमिशन मांगेगा कॉल्स मैसेज का, सभी को आप लोगों को अलाउ कर देना पड़ेगा ताकि जो है आपका जो 100% यहां पे काम करे, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो सारा चीज अलाउ कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पे अभी आप लोगों को सिंपल से नीचे आ जाना और यहां पे जो है वरिष्ठ सिंक्रोनाइज जो लिखा हुआ है सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहां पे सिंपल से इसको अगर ऑफ है तो इसको भी आप इनेबल कर लीजिए। ये दो चीज इनेबल हो जाने के बाद फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहां पे आपका जो वॉच है वो रेडी है कॉल के लिए। तो अभी मैं यहां पे लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। यहां पे मैं देख लेता हूं कि हमारा वॉच जो है कनेक्ट है या नहीं है। तो यहां पे फ्रेंड्स देख सकते हो, अभी हमारा यहां पे वॉच देख सकते हो नहीं कनेक्ट है। मैं आप लोगों को यहां पे दिखाना चाहूंगा, यहां पे एक चीज और देखो आप, ठीक है। यहां पे देख सकते हो, मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं, ये देखो ब्लूटूथ में यहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो सिंपल से आप लोगों को जो है ब्लूटूथ पे लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आ जाता हूं और यहां पे जो हमारा आइकन बज है सिंपल से मैं यहां पे जो उसको पेयर कर लेता हूं। मैं ऊपर में ही कनेक्ट हुआ है, ठीक है, ये कॉलिंग के लिए कनेक्ट नहीं हुआ। तो यहां पे सिंपल से आइकन बज यहां पे देख सकते हो ढूंढना है, यहां पे सिंपल से आप लोग जो सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैंने यहां पे ढूंढ लिया और यहां पे आइकन बज आ चुका है फोन। तो सिंपल से आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना पड़ेगा। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, जब तक यहां पे आपका जो है कनेक्टेड नहीं आ जाता, यहां पे देख सकते हो फाइनली यहां पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स आइकन बज यहां पे आ चुका है फोन, यहां पे देख सकते हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप लोगों का आपका जो वॉच है उसको लाना है, सिंपल से आप लोगों को इस तरीके से स्वाइप इधर करना है और यहां पे देख सकते हो नॉइस बज का एक यहां पे देख सकते हो एप्लीकेशन है, तो इस पे आप लोग क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे सिंपल से आप लोग डायल पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो अभी फ्रेंड्स यहां पे आपका जो डायलर वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो चलो मैं यहां पे जो किसी को भी कॉल लगा के आप लोगों को यहां पे लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं यहां पे एक नंबर डाल लेता हूं कोई सा भी, ठीक है। ये देख सकते हो मैंने यहां पे एक नंबर डाल दिया 9262 और 5959। सिंपल से मैं कॉलिंग कर देता हूं और यहां पे मैं आप लोगों को मोबाइल में भी दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, मोबाइल में भी हमारे यहां पे कॉल लग चुका है और यहां पे फ्रेंड्स मैं अगर कट करता हूं तो देखना अभी मोबाइल में भी यहां पे कट जाएगा, देख सकते हो कट चुका है। अभी मैं आप लोगों को एक बार और यहां पे जो है कॉल करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स, यहां पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ यहां पे दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, देख सकते हो। मैं यहां पे जैसे कॉल पे क्लिक करता हूं तो ये देख सकते हो हमारे फोन में भी यहां पे कॉल लग चुका है और जैसे ही मैं फ्रेंड्स यहां पे जो है इस पे कॉल पे कट करूंगा तो ये देख सकते हो हमारे फोन में भी कॉल कट चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा, तो आप लोग इसी तरीके से यूज करके फ्रेंड्स आप लोग जो है अपने स्मार्टफोन से जो है आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हो अपने वॉच को और अपने वॉच के थ्रू जो है कॉलिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक चीज आप जरूर ध्यान रखना कि जब तक यहां पे फ्रेंड्स, ठीक है, यहां पे फ्रेंड्स जब तक यहां लिखा हुआ नहीं आएगा आइकन बज या फिर आइकन बज यहां पे लिखा हुआ आना चाहिए ब्लूटूथ में, तब तक ये आपका जो है कॉलिंग वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज कनेक्ट करना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है अगर आप लोग जो है वॉइस से कॉलिंग करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से यूज करके आप लोग जो है कॉल का पूरा सेटिंग्स कर सकते हो और आप अपने स्मार्ट वॉच की मदद से किसी को भी कॉल लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो घंटे का आइकन है उसको तो जरूर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मोबाइल वाला।